लिमिटेशंस ऑफ बोट्स मॉडल थोड़ा सा रह गया था, उसको आज पहले हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आगे की बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बोट्स मॉडल एक लिमिटेशन तो हम बोट्स मॉडल के बिगनिंग से ही देखते आ रहे हैं, क्या बोट्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना? एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो उसमें तो बोट्स मॉडल लगता ही नहीं, अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले तो वही है कि बोट्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कल कि पास्कन ब्रैकेट फंड सीरीज का सीरीज लिमिट जरा खुद से ट्राई करना, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ। ट्राई किया था आप लोगों ने? नहीं ना, किसी ने नहीं ट्राई किया। और ट्राई करोगे तब ना मजा आएगा, देखते कि उन सब का सीरीज लिमिट 700 नैनोमीटर से ज़्यादा आया होगा। हाँ, नेटवर्क की वजह से स्क्रीन नहीं दिख रहा। आज नहीं दिख रहा या कल नहीं दिखा था बच्चे? आज दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। और कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है, ग्रुप पे डाल दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या उल्टा हो गया है वो, तो उसको मोबाइल को उल्टा करके देख लेना, वो वीडियो ना उल्टा हो गया है। सर ऊपर, सर नीचे, पैर ऊपर हो गया, तो मोबाइल को उल्टा करके देख लेना उसको। उसको मैं ठीक करके भी डाल दूंगा, बट अभी फिलहाल वो वीडियो उल्टा हो गया है। दोनों दिन नहीं आ रही, ठीक है, सारे ही डाल दूंगा। पीछे अभी एक वीक का जितना भी आपका रिकॉर्डिंग है सब डाल दूंगा, थोड़ा सा एक बार देख लेना। देखो, रिकॉर्डिंग तो मैं डाल ही दे रहा हूँ बच्चे, सुन लो ध्यान से जरा। रिकॉर्डिंग तो मैं डाल ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो आपको देखना ही देखना है, क्लास करने के बाद भी देखना है। लेकिन क्लास में आपको इसलिए प्रेजेंट रखता हूँ मैं, ताकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आए, आप एक टाइम बाउंड हो जाओ। नहीं तो क्या है, वीडियो क्लासेज मैंने दिया तो था पीछे कुछ दिन वीडियो क्लासेज, लेकिन वीडियो क्लासेज में वो सिंसियरिटी आती नहीं बच्चे में। आ गया ना, देख लेंगे ना, कभी वो कभी कभी इतना नहीं आता, दैट नेवर कम्स। और इसलिए आई एम वेरी स्ट्रिक्ट दैट एवरी वन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। इसका बात ही अलग है। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस मोमेंट, इस माहौल में भी मैं किसी तरह से जोड़ तोड़ के लाइव क्लासेस चला रहा हूँ। अदरवाइज कौन दे रहा है लाइव क्लासेस? नांदेड़ से कोई नहीं दे रहा है, सब वही वीडियो रिकॉर्ड करके कट छट करके दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में। ना तो उस वीडियो में कोई शेड्यूल है, ना कोई टाइमिंग है, जब मर्जी तब आ गया। एक दिन में 3 आ जाता है, किसी दिन 1 आ जाता है, किसी दिन वो भी नहीं। कब देखना है बच्चों को पता ही नहीं है, कैसे देखना है पता नहीं। इसमें कम से कम आप आके बैठते हो, टाइम पे हम डिस्कस करते हैं आपस में, थोड़ी ही सही बात करते हैं ना, एक कनेक्शन बनता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आपको लग रहा होता है कि आपके साथ और लोग भी बैठे हुए हैं, है ना। एक क्लास का इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, आपको एक क्लास का इन्वायरमेंट फील होता है। आप भले ही अकेले बैठे हो, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ कई और बच्चे बैठे हैं, तो ये थोड़ी बहुत फीलिंग देती है। वो फीलिंग तो नहीं दे सकती जो हम क्लास में करेंगे। देखो, उम्मीद करते हैं सितंबर से क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ इस साल का, तब होगा, नहीं तो फिर अक्टूबर भी जा सकता है। चलो, तो बोट्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अपना एनर्जी लेवल हाई रखो, एकदम हमेशा चार्ज रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। दूसरा दूसरा एक लिमिटेशन का जस्ट ब्रीफ थोड़ा सा दो लाइन आपको बता दे रहा हूँ, बट वो लिमिटेशन थोड़ी हायर लेवल की है। वो क्या है, बोर्स मॉडल, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको मालूम होना चाहिए, वो आ सकता है एग्जाम में। बोर्स मॉडल इज, बोर्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, अभी बताता हूँ क्या होता है, एंड जीमान इफेक्ट। ये दो इफेक्ट है जिसको कि बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। व्हाट इज दिस इफेक्ट, जरा सा उसको एक एक मिनट में समझाता हूं। सपोज करो, बात नहीं, आपस में नहीं बात करनी है, सिर्फ मुझसे बात करनी है। सपोज करो हमारे पास, ध्यान से सुनना, एक सैंपल है हाइड्रोजन एटम का, जिसमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। तो बताओ कितने ट्रांजिशंस इसके अंदर पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने इसमें पॉसिबल हैं, 3 × 3−1/2, 3 ट्रांजिशंस। कौन कौन से, 3 से 1, 3 से 2, 2 से 1, है ना बच्चे, सीखा है ना ये सब, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वगैरह निकालना। इतने ट्रांजिशंस इसमें से पॉसिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने अगर हम स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे 3 ब्राइट लाइंस मिलेंगे, स्क्रीन पे 3 ब्राइट लाइंस मिले। अरे कौन लिख रहा है ये सब, अभी से टीचर बनना चाहता है। अरे मुझे लिखने दो ना, तुम अपने नोटबुक पे लिखो, ये बोर्ड मेरे लिए है, अब लिख के दिखाओ जरा। हाँ, तो 3 ब्राइट लाइंस हमें मिलेगा, इसी को तो हमने कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, सुनना केवल अभी, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करें, इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन एटम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे, तब क्या होगा, आपको ये एक एक लाइन फर्दर कई लाइन में स्प्लिट होके दिखेगा, ऐसे दिखेगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। बोर्स ने कहा सिंगल लाइन है, लेकिन जब एक्सटर्नल बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसी को ऑब्जर्व किया तो देखा कि एक एक लाइन कई लाइन में स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि वो लाइन हमें जो एक लाइन दिख रहा है वो एक लाइन नहीं है, कलेक्शन ऑफ लाइन्स है, बंच ऑफ लाइन्स है, और इसको ऑब्जर्व किया था स्टार्क ने। ये बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया, बोर से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है तो बोला मालूम नहीं है। तो बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। और अगर आपसे कोई पूछ ही दे आगे कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है तो क्या कहोगे, स्टार्क इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड लगा दें,
ऐसे नॉर्थ साउथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दें ऐसे, फिर से एक एक लाइन कई लाइन में स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे। और इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट जिसका नाम था जीमान, और इसलिए इसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस बोर मॉडल का आपको याद रखना है, एक इट इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, दूसरा इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टार्क एंड द जीमान इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता, समझ गया ना? ठीक है, अब इसके आगे तो बोर मॉडल यहां पे कंप्लीट होता है बच्चे, बोर मॉडल खत्म होता है। और बोर मॉडल में आपको मैंने वो डेप्थ दिया है कि अभी तो आपने शुरुआत किया है, आप मैं दिखाऊंगा अब आगे कि बोर्स मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेनली बोर्स मॉडल को है को लेके नीट के पेपर में 5 to 6 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, 3 केमिस्ट्री में और 3 फिजिक्स में। इतने से 12th क्लास का आखिरी टॉपिक होता है मॉडर्न फिजिक्स, पूछना किसी फिजिक्स वाले सर से मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, कहेंगे यही बोर मॉडल होता है, और एग्जैक्टली सेम, रत्ती भर भी फर्क नहीं। फिजिक्स वाला कई तो लास्ट टॉपिक होता है, पढ़ाता भी नहीं है, कहता है तो केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ा ही दिया होगा, केमिस्ट्री वाला भी बच के निकल जाता है कि ये तो फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, अल्टीमेटली बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो बोर्स मॉडल कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद दो और छोटे छोटे थ्योरी हैं जिसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह है, उसके बाद ये पूरा थियोरिटिकल हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, अच्छा नाम यूजुअली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन डी ब्रॉगली का नाम डी में डी स्मॉल है, ये साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। क्या है थ्योरिटिकली जरा इसको समझने की कोशिश करना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके प्रॉपर्टी से दो बातें हमने मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन के पास लाइट की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक लाइट, लाइट क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए वेव, और इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम भी होता है, बोर मॉडल में हमने एंगुलर मोमेंटम देखा, मोमेंटम अच्छा लीनियर मोमेंटम, कोई एक पार्टिकल है ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v, इसका मास m है, तो मोमेंटम, मोमेंटम जिसको p से डिनोट करते हैं m इंटू वी होता है ना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होने के लिए, मोमेंटम होने के लिए क्या होना जरूरी है, मास। अगर मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं होगा, और लाइट के पास मास नहीं होता, अगर लाइट के पास मास होता, ध्यान से सुनना, अगर लाइट के पास मास होता तो किसी बल्ब के नीचे एकाध साल बैठ जाते तो अपना मास वजन बढ़ जाता ना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, अगर लाइट में मास नहीं सर,
अगर लाइट में मास होता तो सारा दिन धूप में रहने वाला आदमी ज़्यादा तगड़ा होता, मोटा होता, वजन ज़्यादा होता, क्योंकि उस पर तो हमेशा लाइट ही पड़ रहा होता। यानी कि लाइट के पास मास नहीं होता और इसलिए मोमेंटम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन यूनिक है, इलेक्ट्रॉन लाइट के जैसा बिहेव करता है और उसके पास मास भी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है, दोहरा दोहरा उसका कैरेक्टर है, डबल कैरेक्टर है। इलेक्ट्रॉन हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लाइट एंड मैटर, मैटर मतलब मास, जिसके पास मास हो। डी ब्रॉगली ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लाइट एंड मैटर, वेव एंड मैटर प्रॉपर्टी को आपस में रिलेट किया। कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का कोई मैटर प्रॉपर्टी नोन है तो उसकी वेव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वेव प्रॉपर्टी नोन है तो आप उसके मैटर प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो डी ब्रॉगली रिलेटेड मैथमेटिकली द वेव एंड मैटर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली रिलेटेड द मैटर एंड वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाटक क्या अटक गया, चल रहा है, बढ़िया चल रहा वो है। स्क्रीन में नहीं, अच्छा चल रहा है, बीच बीच में अटक रहा है थोड़ा स्क्रीन अटक रहा है, पे। हाँ वो लिखा नेटवर्क हुआ, के नेटवर्क हो सकता है थोड़ा वो तुम्हारा पुअर होगा, मोबाइल का नेटवर्क, या हो सकता है मेरा ही थोड़ा आज वीक होगा। मैं कर रहा हूँ, इंटरनेट का बंदोबस्त कर रहा हूँ मैं थोड़ा स्ट्रांग, तो हो सकता है 2-4 दिन बाद मैं सीधा बोर्ड पे ही लगा दूंगा कैमरा और बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। कर रहा हूँ मैं, 1-2 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ, उसके लिए इंटरनेट थोड़ा स्पीड वाला चाहिए। तो लैम्डा वेवलेंथ, पी मोमेंटम, अभी अभी लिखा था मास इंटू स्पीड वेलोसिटी। एच तो सबको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 का पावर -34 जूल सेकंड। तो देखो एच तो कांस्टेंट है, यानी कि अगर लैम्डा मालूम हो तो पी कैलकुलेट कर लेंगे और पी मालूम हो तो लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा क्या है, वेव प्रॉपर्टी, पी क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी, समझा आपने। लैम्डा है वेव की प्रॉपर्टी और पी क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी। पी में मास टर्म आ गया, लाइट के पास मोमेंटम नहीं होता और मैटर के पास वेवलेंथ नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास दोनों ही हैं, इलेक्ट्रॉन के पास दोनों ही हैं, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास दोनों हैं तो एक मालूम है तो दूसरा मालूम कर सकते हैं, समझ गए। यही है डी ब्रॉगली इक्वेशन। हाँ सर, ये देखो फिर से शोर मचाने लगा, ये क्या हो गया,
क्या हुआ? हेलो, एनीवन कैन हियर हाँ मी? नहीं, अरे वो आज लगता हेलो है ना सर, कि नेटवर्क, एक सेकंड रुको, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम लगता है मेरे साइड में है, कुछ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आ गया ना सबके पास स्क्रीन? आ गया ना बच्चे? आ गया ना बच्चे स्क्रीन? हाँ आ गया सर, सबके पास ना? अरे बोलो, आया कि नहीं नहीं? सर, नहीं आया, नहीं है नहीं 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 आया, स्क्रीन? स्क्रीन नहीं आया आपके पास? नहीं सर, आ नहीं रहा है सर, अभी, आज तक नहीं रहा, एक सेकंड, कुछ एक सेकंड रुक जाए, लगता आ गया है सर, आया। आ गया, आ गया, आया आ गया, क्या? आया? आ गया, आ गया, आ आ गया, आ गया, गया। नेटवर्क का इशू है बच्चे, थोड़ा सा नेटवर्क लगता है स्लो चल रहा है आज, वो कभी दिक्कत आई नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा नेटवर्क, एक सेकंड, सही चल रहा है। अरे पण ते स्क्रीन तर दिसाय पाहिजे ना रे भाई। अरे अभी आया क्या स्क्रीन? अभी स्क्रीन आया क्या बच्चे? आ गया सर, यस सर, आ गया ना? आया ना? हाँ सर, ठीक है, अब नहीं आया जाएगा, सर, अब नहीं जाएगा उस। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है, दूसरे नेटवर्क पे लगा दिया है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ा सा। चलो ठीक है, अब नहीं जाएगा। तो एक आध न्यूमेरिकल करके देखें इस पे, छोटा सा न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको, वेवलेंथ और मोमेंटम में, वेवलेंथ और मोमेंटम में कोई एक नोन होगा, दूसरा सॉल्व करना होगा, जरा देखते हैं। अब इससे कुछ सीखेंगे भी, पहले थोड़ा सा मेहनत करना, कैलकुलेट करना, तो उसके बाद फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। डिटरमिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, दो क्वेश्चन है इसमें, इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड, टू इंटू 10^5 m/s ऑफ ए बॉल ऑफ मास 200 g मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 m/s। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसमें 9 × 10^-31 kg। आपसे पूछा गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो दो अलग अलग केस में, एक बार इलेक्ट्रॉन का, एक बार एक बॉल का। इलेक्ट्रॉन का मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, बॉल का आप सॉल्व करना। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, पी इज मास इंटू वेलोसिटी, एच इज 6.626 × 10^-34 J/s डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10^-31 kg, वेलोसिटी इज व्हाट, 2 × 10^5 m/s। अब देखो इसको सॉल्व करना है,
बताओ कैसे सॉल्व होगा? यूनिट का केवल ध्यान रखना है, सब कुछ एसआई यूनिट में होना चाहिए। देखो जूल एसआई यूनिट है, मास का यूनिट केजी, मीटर पर सेकेंड, सब एसआई यूनिट में है। तो अपने आप लैम्डा आ जाएगा एसआई यूनिट में, लैम्डा आ जाएगा मीटर इनवर्स में। है या नहीं? तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो 10 का पावर 5 इधर जाएगा तो 31 में से 5 गया तो कितना हो गया 26। ये हो गया देखो कितना 6.626 डिवाइडेड बाय 9 × 2, और इधर 10 का पावर हो जाएगा -34 +31 -5। ये देखो माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 34 5 39, 39 में से 31 गया 8, ये हो जाएगा 6.626 डिवाइडेड बाय 18 × 10 का पावर -8 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा ना। इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6.6, अगर 6 होता तो 1/3 हो जाता, तो 6 से ऊपर ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? लगभग 3.3, ये लगभग 3.5 × 10 का पावर -9 मीटर हो जाएगा। सिक्स पॉइंट था ना, ऊपर कम है तो एक 10 का पावर हमने -8 को -9 करके उसको 66 कर लिया। प्रांजलि बोल रही है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या बच्चे? दिख रहा है सर। आज इंटरनेट का कुछ इशू है। हाँ प्रांजलि बोल रही है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चे? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा तो हो सकता है उसका नेट का इशू होगा, आज नेट में सबका नेट, मेरा भी नेट कई बार डिसकनेक्ट हुआ, ऐसा होता नहीं था। तो 3.5 × 10 का पावर -9 मीटर ये आ गया। अब सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करो। एक बॉल का मास दिया है 200 ग्राम, स्पीड दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, निकालना है इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चेक करो जरा, हाँ 100 मीटर पर सेकेंड इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप जरा चेक करो, पहले सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ कि उससे हम क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। हुआ कुछ? नारायण मूर्ति ने बताया 3.3 × 10 का पावर -35। देखते हैं और कोई, देखते हैं छोटा सा पॉइंट है, आप लोग पकड़ते हैं कि अब नहीं पकड़ते हैं, क्यों मिस्टेक कर देते हैं।
देखो जो मिस्टेक हम नहीं चाहते थे वही मिस्टेक न्यायमूर्ति ने कर डाला। अरे ये मास 200 नहीं रखना था। ये भी लग रहा है, नहीं न्यायमूर्ति का ठीक लग रहा है, नेहा का गलत है। ये मास 200 ग्राम नहीं रखना था, ये 0.2 kg हो जाएगा, SI यूनिट में लेना था। तो मोमेंटम जिसको हम कहते हैं ये मास इनटू वेलोसिटी, मास 0.2 kg, मास 0.2 kg नहीं है, ऐश्वर्या का भी गलत है। 0.2 kg इनटू 200 मीटर पर सेकेंड, ये देखो SI यूनिट में, SI यूनिट में होना चाहिए सब, 200 नहीं 100 है। तो ये हो जाएगा 0.2 × 100, ये 20 आ जाएगा kg meter per second, ये देखो SI यूनिट है मोमेंटम का। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे लैम्डा, ये आ जाएगा H अपॉन P, H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁶ ही ले लो, इंटू 10⁻¹⁴ अपॉन P इज 20। सो ये जीरो ऊपर जाके हो जाएगा, -1 और लग जाएगा। हाँ न्यायमूर्ति का ठीक ठीक था, 3.3 × 10⁻³⁵ हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो ना, 2 × 10⁻¹, तो ये 1 ऊपर जाके -1 35 हो जाएगा और ये 3.3 रह जाएगा मीटर। पहले तो ये सॉल्यूशन, अब जो काम की बात है वो सुनो, एक थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें आता है, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो जब इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला तो ये आया, ये आया नैनोमीटर के ऑर्डर में आया कि नहीं, इसको क्या लिखोगे, 3.5 नैनोमीटर, 10⁻⁹ को नैनोमीटर बोलते हैं। जबकि यहां देखो क्या आ रहा है, 3.3 × 10⁻³⁵, अगर इसको मुझे नैनोमीटर में लिखना हो तो मैं लिखूंगा 3.3 × 10⁻²⁶ × 10⁻⁹ मीटर। देखो मैंने किस लिए लिखा है, इसके लिए मैं ले लूंगा नैनोमीटर, ये हो जाएगा 3.3 × 10⁻²⁶ नैनोमीटर। वेरी वेरी लेस, 10⁻²⁶ नैनोमीटर कहाँ है, ना के बराबर है, ध्यान से सुनना। एक बार फिर से बताओ ना, कहाँ से भूल तो वो आपने 10⁻⁹ निकाला ना, ऊपर ये तो नैनोमीटर है, ये तो सही सही है ना, 3.5 × 10⁻⁹ को 3.5 नैनोमीटर बोलोगे, ये तो पता है ना। हाँ सर। ये आ गया इलेक्ट्रॉन का, ये आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही जब बॉल का निकाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये देखो कितना आ गया, ये आया था 3.3 × 10⁻³⁵, तो -35 को मैंने ब्रेक किया, -9 के फैक्टर में निकाला, तो पावर ऐड होता है, तो 35 को अगर -9 के फैक्टर में लिखना हो तो -9 और -26 देखो ऐड होकर -35 हो जाएगा, 10⁻⁹ बन जाएगा नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 3.3 × 10⁻²⁶ नैनोमीटर, समझ गए ना। और ये जो है ये वेरी वेरी लेस है कंपेयर टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना के बराबर है। इससे ये बात हम यहाँ पे बताते हैं कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रो। दो शब्द होता है जानते हो ना, एक होता है माइक्रो मतलब वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, एक होता है मैक्रो वेरी वेरी लार्ज, उसका एंटोनिम्स होता है। तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल में डी ब्रॉगली प्रिंसिपल का कोई मीनिंग नहीं है, इस वेवलेंथ का कोई मीनिंग नहीं है, 10⁻²⁶ नैनोमीटर वेवलेंथ का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये वेवलेंथ
नेग्लिजिबल है और इसलिए ये बॉल के पास वेव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये बॉल के पास वेव प्रॉपर्टी होता तो 200 ग्राम क्रिकेट के बॉल का वजन होता है। अगर इसके पास वेव प्रॉपर्टी होता तो बॉलर बॉल करता तो वो बॉल ऐसे 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 आता, कौन बैट्समैन खेल पाता भाई इसको? टाइमिंग कहाँ का ले रहा है, बॉल कहीं जा रहा है, समझ रहे हो? मैक्रो पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स के पास वेव नेचर नेग्लिजिबल होते हैं। ये दिख रहा है वेवलेंथ ना के बराबर है, नेग्लिजिबल वेवलेंथ, नेग्लिजिबल वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? वेव नेचर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, रेक्टिलिनियर मोशन में चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बसों में, मान लो हम बस में सफ़र कर रहे हैं, अब बस में डी ब्रॉगली प्रिंसिपल अप्लाई होता तो बस ऐसे ही ऊपर नीचे वेव के जैसा करते रहता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं तो बस में बोट का मजा आ रहा होता। तो क्या सीखा हमने? डी ब्रॉगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बिगर पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल। माइक्रो को लगेगा, मैक्रो को नहीं। डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रो पार्टिकल्स। एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स किसे कहते हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब है माइक्रो पार्टिकल। छोटे पार्टिकल में लगेगा केवल डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, बड़े पार्टिकल में नहीं लगता है। समझ गए? ये तो हो गई एक बात। अब आ जाओ दूसरी बात। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? जरा देखोगे एक सिंपल सा डेरिवेशन यहां पे छोटा सा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन को अगर मैं फिर से लिखना चाहूं तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैमडा, इस पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है, लैमडा इज इक्वल टू एच बाई पी लिखो या पी इज इक्वल टू एच बाई लैमडा लिखो। ये तो हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन क्या था? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, बोर्स इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। अगर इसे मैं लिखूं एम इंटू वी इज इक्वल टू वाट? एन एच अपॉन टू पाई आर। एम वी क्या है? मोमेंटम ही तो है। अब मोमेंटम के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां से? एच अपॉन लैम्डा फ्रॉम वन। और बोलो लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना। हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन लिखा, हमने बोर इक्वेशन लिखा, दोनों को कंपेयर कर दिया।
बोर इक्वेशन से मास इनटू वेलोसिटी को सेपरेट कर लिया, तो एन एच बाई टू पाई आर, और एम वी के लिए पी लिख दिया जो कि एच अपॉन लैम्डा है। ये देखो एच से एच गया, एच से एच गया, गायब कौन हुआ, एक गायब एक कम दिख रहा है, कौन गया, क्या चल तो एच से एच गया, तो देखो क्या आ गया, 2 पाई आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, यहाँ 1 है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन इंटू लैम्डा, इसको कहते हैं बोर्स डी ब्रॉगली इक्वेशन। बोर और डी ब्रॉगली को मिला के बना, इसलिए इसको कहते हैं बोर डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जरा समझना है बच्चे, 2 पाई आर, 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है, किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सपोज करो हम थर्ड ऑर्बिट में हैं, एन इज इक्वल टू 3 में हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, 3 लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। जब हम वेव मोशन कंसीडर करते हैं तो इसे बोलते हैं वेव लेंथ, किसे बोलते हैं वेवलेंथ, वन कंप्लीट, इसको बोलते हैं ना वेवलेंथ। यानी कि थर्ड ऑर्बिट में ध्यान से सुनना, 2 पाई आर जो होगा, 2 पाई आर क्या है, डिस्टेंस सरकमफेरेंस, 2 पाई आर जो होगा वो 3 लैम्डा में डिवाइड होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में एक चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाता है, तो 3 वेव बनाएगा, क्योंकि वो लेंथ जो है 3 टाइम्स वेव लेंथ है। और कुछ समझा क्या, कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एक राउंड लगाया तो उसमें 3 कंप्लीट वेव बनेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान से देखना, एक वेव यहां से यहां तक बना, एक यहां से यहां तक बना, नहीं, एक वेव यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, 1 2 3। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस 3 टाइम्स वेवलेंथ है, यानी कि 1 राउंड में 3 लैम्डा, 1 राउंड में 3 लैम्डा मतलब 3 कंप्लीट वेव बन जाएगा एक राउंड में। तो कहते हैं कि इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ कंप्लीट वेव ऑर्बिट नंबर के बराबर होता है, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में नंबर ऑफ कंप्लीट वेव फॉर्म्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड इन
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर. समझे? 2πr n लैम्डा के बराबर होता है. तो अगर अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं सीधा, अब देखो ये बोर से रिलेटेड है कि डिटरमिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट. थर्ड बोर ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो. तो आप क्या करेंगे? बोर डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करेंगे. अभी अभी जो बताया मैंने, क्या कहेंगे कि 2πr होगा 3 लैम्डा n लैम्डा. सही है ना? आपसे पूछा गया है लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 2πr/3. 2π/3. r क्या होता है जल्दी बोलो? a नॉट n स्क्वायर बाय z. याद है? सब भूल गया. आगे से पढ़ते जाओ, पीछे से भूलते जाओ. ये है ना आर रेडियस, स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड. एन क्या है? 3. तो रखो 2π/3 इंटू ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. ये देखो स्क्वायर से 3 गया तो बचा क्या? 6πa0. 6 इंटू 3.1 इंटू ए नॉट. ए नॉट आपको पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या आएगा? ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो आज मैंने आपको वेव पार्टिकल डुअलिटी बताया. ऐसा ही एक और थ्योरी कल बचा है, वो करेंगे. दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा बच्चे क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वो सब आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर ट्यूशन में वही सब पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब भर भर के, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन हमारे लिए उसे बहुत छोटी बात होगी, हम बड़ी बड़ी बात अभी कर रहे हैं. इन सबको पहले जरा एक बार सीख लें, तो इन्हीं सबसे रिलेटेड है. और वो आगे जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसा क्यों हो रहा है. ठीक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी कल मिलते हैं. इसका रिकॉर्डिंग मैं रात में 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा. अभी लगातार क्लास होती है बच्चे, तो मैं 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा. जिनका छूट गया वो अपना रात में देखेंगे इसको. जिनका हो गया है फिर भी कुछ कम समझ में आए, वो रिपीट करेंगे इसको, रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे. जैसे आता है ना रिपीट टेलीकास्ट धारावाहिक का, सीरियल का, वैसे ही आप लोग इसका रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे. और फिर भी कोई कमी रह जाता है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, हाँ हाइलाइट्स, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो फिर मुझे बताएंगे. तो जैसा मैंने पीछे बोर्ड पे बना के दिया है ना, पीछे देखना 5 वीडियो दिया है मैंने आपके ग्रुप पे डाला है. बोर मॉडल, पूरा बोर मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम्स के साथ. तो वैसा ही आगे का भी मैं कर दूंगा, इन सब का भी कर दूंगा. क्योंकि ये जो क्लास वाला जो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होता है ना, ये थोड़ा सा गंदा संदा होता है. इसमें बहुत कुछ दिख रहा होता है, कभी बच्चे का नाम आ रहा होता है, कभी लिंक टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, नॉइज होते हैं, चूचा होते रहता है. ठीक है, तो कल दूसरा थ्योरी देखेंगे.